इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शुमार मोसाद अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने में माहिर है। कभी मिसाइल से हमला करना तो कभी घर में घुसकर मारना, कभी फोन हैक करना तो कभी पेजर में ब्लास्ट कर देना। आसान भाषा में कहे तो मोसाद गजब की एडवांस्ड और खतरनाक खुफिया एजेंसी है, जो अपने लक्ष्य से जल्दी नहीं चूकती। अभी लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट के पीछे भी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। इस बीच आइए जानते हैं मोसाद के कुछ सबसे खतरनाक ऑपरेशन। नंबर एक, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। मोसाद का अब तक का सबसे फेमस ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड था। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक चल रहा था। उस वक्त 11 इजरायली एथलीट को मारा गया था। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हथियारों को पूरी दुनिया में खोज खोज कर मारा। इसराइल ने म्यूनिक में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला बेहद खूंखार ढंग से लिया। मोसाद को इस काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और 20 साल में अपना बदला पूरा कर उन्हें मार डाला। नंबर दो, ऑपरेशन सीरिया। मोसाद ने सीरिया में अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए वहां की सेना और दूसरे विभागों की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए बेहद खुफिया ऑपरेशन चलाया था। इसके लिए अपने एजेंट एली कोहोन को भेजा, जो वहां का व्यापारी बन गया और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में अच्छी जान पहचान बनाकर आना जाना शुरू कर दिया। इसकी मदद से इसराइल ने सीरिया में तमाम खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया। नंबर तीन, युगांडा का थंडरबोल्ट ऑपरेशन। 106 यात्रियों से भरे जहाज के हाईजैक होने पर मोसाद ने यह ऑपरेशन चलाया था। फ्रांस के इस जहाज को 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। आतंकी इस जहाज को युगांडा ले गए, जहां का उस वक्त का तानाशाह ईदी अमीन आतंकियों का समर्थक था। मोसाद की विशेष कमांडो फोर्स ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया और युगांडा पहुंचकर सबसे जटिल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए यहूदी यात्रियों को वापस लाने में सफलता हासिल की। इस दौरान मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाई कॉलोनल योनाथन नेतन्याहू शहीद हो गए थे। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में गिना जाता है। नंबर चार, इमाद मुगनी की हत्या। साल 2008 में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर मुगनी की दमिश्क में एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस ऑपरेशन में CIA के साथ मोसाद का हाथ था। नंबर पांच, ऑपरेशन इटली। दरअसल इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीक कर दिया गया था और ऐसा करने वाले मोरदीची बुनुनू को इटली से जिंदा पकड़कर यरूशलम लाने का निर्देश था। ये काम बेहद ही मुश्किल था, लेकिन मोसाद की फीमेल एजेंट ने उसे हनी ट्रैप में फंसा कर ये काम पूरा ही कर दिया। ये घटना 1968 की है। मोसाद पूरी दुनिया में अपने सीक्रेट ऑपरेशन थ्रिलर और सस्पेंस के लिए जाना जाता है। लेबनान में हुए पेजर धमाकों के बाद एक बार फिर मोसाद की कहानियों की चर्चा होने लगी है। कहा जाता है कि जिस पर मोसाद ने अपनी नजर गड़ाई वो सब नस्त नाबूद हो गया। मोसाद अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हर वो तरीका अपनाता है जिससे उसे सफलता हासिल हो सके। इन ऑपरेशन में वो सुंदर महिलाओं का भी इस्तेमाल करता है, साथ ही अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जहर का इंजेक्शन और ड्रोन हमले तो आम बात है। मोसाद अपने देश में बैठे बैठे इस तरह के वायरस बनाता है जो दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर को हैक करके बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देता है। इसीलिए मोसाद को दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।